बीजेपी जी बखला चुकी है क्योंकि सत्त साल पहली बार एडे जे वे जन अंदोलन का सामना करना पै रहा है। सरकार दी सारियां चालां जिहड़ियां फेल हो रही ने इस करके उन्हें 26 तरीक नूं एक वड्डी चाल चली। जिहड़ा किसान परेड राही किसानां दे अंदोलन की चर्चा होनी सी उहदे राही अपने गोदी मीडिया राही लाल किले की घटना की चर्चा करवा के ते इह साबित करन दी कोशिश करके कि देखो ये किसानां दा अंदोलन नहीं, ये तां देश विरोधी लोग ने। लोग बीजेपी की साजिश समझ चुके हैं जो लाल किले च किया। बीजेपी ने खुद करवाया अपने बंदियां राही करवाया और नाम किसानों का लाया। टकैत साहब के हंझू एक तरह की हैट्रिक हुई गल जिन्हें सारी जिहड़ी वो कहानी जो नैरेटिव सिरजना चाहती सी बीजेपी वो सारा मिट्टी च रोल के रख। तो ये परचे जेलां ये तां साडे वास्ते फीतियां ने साडे मैडल ने ये देश दे सब तो बड़े खेत्र नूं जिहड़ा रुजगार दे लिया लोगों नूं रोटी दे रहा ते उस खेत्र नूं वेचण वाली सरकार तां खुद देशद्रोही है। देखो बीजेपी जिहड़ी आ बखला चुकी है क्योंकि सत्त सालां दे च उहनूं पहली वारी एडे जिहड़े वड्डे जन अंदोलन का सामना करना पै रहा है। सरकार दीयां सारियां चालां जिहड़ियां फेल हो रही ने इस करके उन्हें 26 तरीक नूं एक वड्डी चाल चली क्योंकि सत्त सालां च बीजेपी यही करती आई है किसी नूं राष्ट्र विरोधी कहता किसी नूं कहता देश विरोधी हैगा विदेशी ताकतों के हाथ च खेड रहा ये कह के उन्हें कदी कोई विद्यार्थियों के अंदोलन कदी कोई होर हिस्सों के अंदोलन कुचले। बिल्कुल सेम फार्मूला उन्हें अपनाया कि 26 जनवरी नूं अपने बंदियां नूं लाल किले च भेज के उत्थे झंडा चढ़वा के जिहड़ा किसान परेड राही किसानों के अंदोलन की चर्चा होनी सी उहदे राही अपने गोदी मीडिया राही लाल किले की घटना की चर्चा करवा के ते इह साबित करन की कोशिश करके कि देखो ये किसानों का अंदोलन नहीं, ये तो देश विरोधी लोग ने। तो इस आड़ हेठ कई थावां ते उन्होंने अपने बंदे भेजे आ कि धरना चको कई थावां ते जिवें गाजीपुर उन्होंने अपनी पुलिस भेजी आ उत्थे भाजपा के विधायक सी भाजपा के बंदे सी पर लोग बीजेपी की साजिश समझ चुके हैं जो लाल किले च किया कि लाल किले का परिंदा पर नहीं मार सकता। बीजेपी ने खुद करवाया अपने बंदियां राही करवाया और नाम किसानों का लाया जबकि संयुक्त किसान मोर्चा तो कह चुका कि असी ना वो साडा रूट सी ना असी जाना सी ना साडा प्रोग्राम सी जिहड़े अनाउंस करते रहे लाल किला जाने वाला ठीक है उन्होंने सारियां वीडियो जिहड़ियां ने सामने आ चुकियां ने। तो वो सारिया चीज़ा लोग समझ चुके सी इस करके रात जो उन्होंने गाजीपुर जिहड़ा वो कुछ करन दी कोशिश की आ रात नूं जदों गाजीपुर ने गल तय होगी कि हुण कोई मोर्चा सरकार नहीं चुकवा सकूगी क्योंकि उन्होंने लगा है कि जिहड़े टिकरी ते सिंगू बहुत वड्डी गिणती है जिथे घट गिणती ने गिणती घट है किसानों की उत्थों अटैक शुरू करो इस करके हुण संभव नहीं उन्होंने वास्ते कि मोर्चा चुका सकन। लखां लोग आ रहे आ और जित के इत्थों वापस परतांगे। गाजीपुर बॉर्डर तो जिस तरीके नाल रात चुकाउण गए सी उत्थों निराशा का सामना करके पुलिस नूं वापस मुड़ना पिया हुण टकैत साहब ने हंजू भी निकले जिहड़े हंजू दा इह देखण नूं मिलिया कि चुकाउण दी बजाय डबल कर बैठे आ। देखो सिंगू कल बहुत वड्डा आपां ट्रैक्टर मार्च किया टिकरी मार्च होया और टकैत साहब दे हंजू एक तरह की हैट्रिक हुई कल जिन्हें सारी जिहड़ी वो कहानी जो नैरेटिव सिरजना चाहती सी बीजेपी वो सारा मिट्टी च रोल के रखता और उस गल तो 26 वाली गल तो लोग पहला बहुत उदास सीगे मन च सीगी खुशी खुशी नहीं सीगी उदन असी आए हैं जिदन रात नूं इत्थों गुरु तेग बहादुर हाल कोलों उतर के पिछे रसोई ढाबे को मीटिंग सी 9-10 किलोमीटर पैदल गए असी वेख्या कोई डैक नहीं वज रहा सी कोई लोग आपस गल नहीं कर रहे सी जिवें अपने मापियां दा संस्कार करके होण मतलब इस तरह की हालत सीगी पर रात ही जिहड़ी सी ओह जिहड़ी एक पतझड़ एक तरह की जिहनूं कहिंदे सरकार लिआउण दी कोशिश कीती सी पर ओह 36 घंटे ही रही ते करुंबलां फिर रात जिहड़ियां ने
वो फुट आईया ने लोग जोड़े है फिर वीड्डी गिनती चल पे ने और मोर्चा जोड़ा है सुन ये चो गंद झड़ चुका हूँ जी है मोर्चा शुद्ध हो चुका तो जित के परतूगा। एक चीज़ हो रहा है CBI के छापे 50 थावां ते पए ने हरियाणे दे विच उसको तुसी किस तरह देखते हो? देखो जो जो कुछ कर रहे हैं हुण जिवें परचे किए लुकआउट नोट्स कर जारी करते हादसे वाली गल यह हैगी कि हुण मेरे अर्गे बंदे दा मेरे कोल तां पासपोर्ट ही नहीं है मेरे तो कोई बैंक खाता भी नहीं हैगा गा लुकआउट नोट्स कढ़ते अगली गल परचे ना तो साढ़े कोई पहला परचा ना कोई पहली बार असी जेल जाना ना कोई पहला अंदोलन लड़ रहे हैं। तो देखो ये तो जिवें सुरजीत पात्र होर ने कहा सीगा कि हिक्कां दे विच तगमियां दी थां गोलियां सन्मान का यह भी तो एक अंदाज है। तो ये परचे जेलां ये तो साढ़े वास्ते फीतियां ने साढ़े मैडल ने संघर्षी लोगों की हुंदे आ इस गल की कोई परवाह नहीं कितने छापे पैंदे इन गल तो ना डरन वाले आ ना पिछे हटन वाले है। तो असी तुसी देखो कि तुसी आप ही कह रहे हो कि गाजीपुर वाला रात जो कुछ होया लोग दूने हो के आए इस करके स्प्रिंग जिन्ना तुसी दबाओगे ना तेजी ना उछलना लोग जिन्ना लोगों जिन्ना दबाने की कोशिश की लोग उन्ने वध रहे हैं इन्हां दे छापे परचे सब बेअसर। अच्छा 6 पत्रकारां दे उत्ते भी जिहड़ा देश द्रोह दा केस होया उस नूं किस तरह देखदे हो? मैनू उसकी जानकारी नहीं है पर यह सरकार जिहड़ी आ बुखला चुकी है कभी किसी नूं NI दे नोट्स कढ़ते कभी देश द्रोह उस सैक्टर नूं बर्बाद करन दे लई इह कारपोरेट नूं सारी खेती ते साडियां फसलां देण जा रही हैगी आ देश दे सब तो वड्डे खेत्र नूं जिहड़ा रुजगार दे लिया लोकां नूं रोटी दे रहा तो उस खेत्र नूं वेचण वाली सरकार तां खुद देश द्रोही आ जिहड़ी देश दे खिलाफ भुगत रही हैगी आ ते उह दूजिआं नूं देश भगती दे सर्टिफिकेट वंडदी आ जां देश द्रोह दे थप्पे लाउंदी हैगी आ। तो इह सरकार इन्हां जो कुछ मर्जी कर ले इन्हें कामयाब नहीं होना। असी पंजाब दे ते सारे देश दे लोकां नूं तुहाडे सारे वीरां दे राहीं तुहाडे चैनल दे माध्यम राहीं यह बेनती करांगे कि असी तां असी एक दिन भी इत्थों नहीं गए गए 26 नवंबर दे असी इत्थे ही हाँ 26 जनवरी नूं भी इत्थे सीगे 27 नूं भी इत्थे सी हुण भी इत्थे हाँ इत्थे जिहा कुछ नहीं गा सारियां अफवाहां ने किसी अफवाह दे ध्यान ना दिओ किसी अफवाह दे ध्यान ना दिओ डटो और वड्डी गिणती च अपने मोर्चियां च पहुंचो लड़ाई अपनी होण दी आ ते जित के वापस जाओ। कल BJP दे जिहड़े लोग इत्थे आए सी नारे मारदे सी कि किसान कोई कंप्यूटर खाली करदे अज दा टाइम दे के गए सी कि असीं आवांगे 12 बजे आए अज कि नहीं आए पता नहीं इत्थे बहुत सारे लोग इस तरह के फिरते हैं पर उन्हां दी सारिआं दी फूक रात गाजीपुर वाली घटना तो बाद निकल चुकी है। अच्छा एक लास्ट सवाल है मीटिंग दा हुण की होएगा कि मीटिंग हो सरकार दे नाल होएगी हुण या फिर की? देखो असीं अपना सारा ध्यान मोर्चिआं नूं मजबूत करन ते ला रहे हैं जिहड़ियां अफवाहां फैला रही सरकार उन्हां नूं दूर करन ते लामबंदी ते ला रहे हैं कि लोग वड्डी गिणती च मोर्चिआं च डटन जदों कोई गल्लबात दा सद्दा आऊगा उदों विचारा हरियाणे ते पंजाब ने रल के अंदोलन इत्थों तक पहुँचाया। तो हरियाणे वाले वीरां नूं बेनती आ कि तुसीं साडे घोल दा अहम हिस्सा हो डटो वध चढ़ के आओ। राजेंद्र जी एक तुसीं 27 तरीक नूं स्टेज तों गया सी अपने दीप सिद्धू ते उन्होंने कहा सी मुर्दाबाद कुछ लोग कुछ नौजवान विरोध करते हैं कि दीप सिद्धू के जो समर्थक है लक्खां सिधाणां दे समर्थक है। नहीं समर्थक तो अमित शाह दे ते मोदी दे भी बहुत ने जिहड़े इस घोल दे विरोधी ने उन्हां दे समर्थकां दी थोड़ा परवाह करांगे ठीक है इस करके जिहड़े इस घोल विरोधी आ उन्हां दे समर्थक जिहड़े हैगे आ ओह भी उन्हां नूं बेनती आ कि ओह गल नूं समझण और 25 तरीक नूं रात नूं इत्थों जो माता जी नाल जो उत्थे वापरिया जिवें बेअदबी कीती आ इन्हां ने ठीक है वह गल्लां गुरु घर दीआं करदे ने गुरबाणी की बेअदबी की आ इत्थे आके बदतमीजी की औरतां नूं धक्के मारे हैगे आ उन्होंने हाथ जोड़े उन्हां दी गल नहीं सुनी हैगी आ उन्हां दे समर्थक जिहड़े हैगे आ जो कहिंदे वी हाँ भी कोई पाठ कर रहा उन्हूं धक्के मारे जा सकते पाठ करते तो मैं खोया जा सकता औरतों धक्के मारे जा सकते हैं तो फिर उन्होंने अगे तो बस उन्होंने वाहगुरु समत बख्शे। इस सन किसान आगू राजेंद्र सिंह जिन्हों का कहना है कि जो भी कल होया गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस नूं निराशा का सामना करना पिया ते रिकेश टकैत नूं जिहड़ा गिरफ्तार करन आई पुलिस जिहड़ी आ खाली हत्थ वापस मुड़ी जो रिकेश टकैत दे हंझू निकले ने उन्हूं अंदोलन उस हंझुआं ने अंदोलन नूं डबल करके दिखाया रातों रात लखां दी गिणती दे विच लोक जिहड़े आ दिल्ली बॉर्डर वल तुर पए ने गाजीपुर बॉर्डर होवे सिंघू बॉर्डर होवे चाहे टिकरी बॉर्डर होवे अंदोलन नूं डबल कर दिता गया। रिकेश टकैत का कहना सी कि जां साडे गोली मार दिओ पर मैं गिरफ्तार ही नहीं देनी जां असीं अंदोलन नूं फेर ही चक्कांगे जां तक कानून रद्द होणगे जां साडे गोली मार दिओ।